मैडम जी देसी फैशन में लाइती बोली में घोली मीठी इलायची हिले ऊंची फौरन रिटर्न नखरा बातें बड़ी है हाय फाय बिगला पिया पे एटीट्यूड वखरा झूमे ऐसे ना रोकी जाए ओ जदो नचे बेबी सज धज लगती है ठाए जदो नचे बेबी सज धज लगती है ठाए जदो नचे बेबी सज धज लगती है ठाए जदो नचे बेबी सज धज लगती है ठाए। एक लड़की अनजानी सी जो पहुंच गई है अरकू वैली में, और ये अनजानी सी कुड़ी है विंध्या तिवारी, जो सास बहु और बेटिया के साथ अपना जन्मदिन मना रही है अरकू वैली में, जहां पर वो कह रही है रंगीला रे। सूरजमुखी के खेतों में नाचती हुई चंद्रमणि, कभी दिन में कभी रात में हवा में उड़ते गुब्बारों में झूमती हुई विंध्या तिवारी। नील पील हर कलर के तू खेल जी भर के, ऐ दिल तुझे पता है, ऐ दिल तुझे पता है। और आंध्र प्रदेश के ट्राइबल विलेजेस में छोटी सी आशा ढूंढती हुई विंध्या तिवारी। भाई इन सब के साथ हो रही है शॉपिंग, पी जा रही है कॉफी और खरीदी जा रही है चॉकलेट्स। यानी एक मस्ती भरा डे आउट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की अरकू वैली में विद सास बहु और बेटिया। तो हाजिर है रंगीला रे गुब्बारों संग का दूसरा एपिसोड, जिसकी शुरुआत हुई अरकू वैली की इस खूबसूरत घाटियों में गुड मॉर्निंग के साथ। ये हसी वादिया ये खुला आसमां, आ गए हम कहां, हम कहां आ गए, हम हैं अराकू वैली में। इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। सास बहू और बेटिया के सारे दर्शकों को विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी मॉर्निंग। वेल, आज की मेरी ये मॉर्निंग है बिल्कुल हैप्पी हैप्पी, क्योंकि है ये मॉर्निंग अराकू वैली में। भाई ये नज़ारे देखकर कौन कहेगा कि इंडिया है, लेकिन इंडिया में भी ऐसे खूबसूरत पहाड़, मनमोहक नज़ारे और ये सनफ्लावर के खेत हैं, जहाँ पर विद्या देखिए तैसे तनहा तनहा होकर बन गई उर्मिला मातोंडकर। तो इसलिए इसमें मड भी है और जो भी चीज़ें इसकी वजह से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। देन दिस हैंडी स्लिंग बैग एंड विद दिस ड्रेस एंड द यू नो टॉप नॉट पोनी, सो इट इज जस्ट कंप्लीटिंग माय लुक एंड I am there at the way to see the air balloon festival. देखिए मेरा दूर से वो जो कैंप है ना, हम वहीं रुके हुए हैं। Can you imagine, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में हमारा वो कैंप है। तो बस वहाँ पर हम जाएंगे, थोड़ा कुछ खाएंगे, स्नैक्स वगैरह, और उसके बाद हम जाएंगे एयर बलून फेस्टिवल के लिए। So guys, follow me. अब चलते हैं अरकू वैली बलून फेस्टिवल में, जहाँ पर हवा में उड़ने को तैयार है विंध्या। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अराकू वैली में और जा रहे हैं एयर बलून में बैठने के लिए।
This is gonna be my very, very good experience and an experience of a lifetime. So I want you to accompany me. देखिए बलून उड़ता कैसे है, सारे लोग उसके अंदर बैठे हुए हैं एंड द गैस इज फ्लोइंग एंड द फायर इज इनसाइड और मैं भी बैठने वाली हूँ अभी फॉर दिस एक्सपीरियंस. मेरे ज़रिए आप भी देख सकते हैं कि कैसे हम एयर बलून में बैठ सकते हैं. काफ़ी सारे पायलट आए हैं जैसे कि कोरियन पायलट, जापानीज पायलट, देन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड आई मेड रियल गुड फ्रेंड्स ऑल्सो. सो वी हैव अ पायलट हियर एंड लेट मी टॉक टू हिम. So, hi, this is Vindhya. Hi. So, you're from which part of the world? I'm from France. Oh, he's from France. Okay. Oh my God. It's a little scary. And it's a very difficult way into it. So, let's see. Kitna maza aane wala hai. Waise toh, I'm quite excited. Thoda sa dar bhi lag raha hai actually. But, okay, I think the pilot is quite experienced. And let's begin the adventure here. पहले बलून फेस्टिवल के रंग बिरंगे गुब्बारे अब हवा में उड़ने को तैयार है. नीले पीले हर कलर के तू खेल जी भर के. सास वो बेटिया हवा में उड़ रहा है आज विंध्या के साथ, तो विंध्या तो हवा में उड़ा दिया आपने. आप लोगों ने उड़ाया है मुझे और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है. One of the best adventurous trip I have ever done in my life. ये सब जो सपना साकार हमारे पायलट साहब की वजह से हो रहा है. He's got amazing sense of humor. Good morning everyone. Myself Captain Karim from Guntur, Andhra Pradesh itself. I'm very happy for having this huge balloon festival in my hometown. आपको कैसा लगा था? बहुत अच्छा. And I really want to thank you all because this is the best surprise, the best birthday surprise which I could get. And thank you so much. It is beautiful. भाई बलून फेस्टिवल के साथ बारिश का सुहाना मौसम बड़ा ही खास था, तो जरा निकल पड़ते हैं बारिश के इस मौसम में यहाँ के गांव, खेत और खलियान घूमने. इस वक्त मैं पहुँच चुकी हूँ अराकू वैली में और हम यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर होने वाला है अराकू बलून फेस्टिवल. ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किया है ई फैक्टर ने. ये एक एडवेंचरस ट्रिप है, सो ऑब्वियसली वी गोना बी रियली रियली एडवेंचरस. एज यू कैन सी नवंबर में बारिश हो रही है. वाओ. पहने थे एंड देन आई रियलाइज कि एक्चुअली ये टाइम है थोड़े कैजुअल कपड़ों का, तो क्यों नहीं कुछ कैजुअल हो जाए. जो अभी मैंने ड्रेस पहनी है ये H&M से ली है मैंने. मेरा बर्थडे गिफ्ट है जो मैंने अपने आप को दिया है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं ये पहनती हूँ आज के लिए. और चप्पल आप देख सकते हैं, इट्स ऑल मडी एवरीवेयर. सो दिस इज़ अ वेरी नाइस फ्लोरल यू नो मॉनसून चप्पल विच आई एम वेयरिंग राइट नाउ. एंड We will be going to the places जहाँ पर tribals रहते हैं. चलते हैं कुछ adventure करते हैं. अरकू वैली के ट्राइबल गांव बड़े ही साफ सुथरे और खूबसूरत हैं. और विंध्या देखिए कैसे रोजा की मधु बन गई और कहने लगी, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा. दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा. ये गाना मैं बचपन में बहुत गाती थी और मैं ये सोचती थी कि मुझे ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना है और जो सोचा था वही अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ आज. तो ऐसे मौके पर हमेशा चाहती थी कि लिपसिंग करूँ इस गाने पर और मैंने कभी किया नहीं. इनफैक्ट इन द ओरिजिनल फिल्म ऑल्सो इस गाने पे कोई लिपसिंग नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों नहीं आज इस खूबसूरत से मौके पर गाने की लिपसिंग करूँ और अपने चाइल्डहुड डेज को वापस से जीऊँ आप लोगों के साथ इस जर्नी में. और यहाँ पर फार्मिंग होती है राइस की, वेजिटेबल्स की और स्टेप फार्मिंग होती है. सो यू कैन हैव अ व्यू कि कैसे हो रही है स्टेप फार्मिंग. और
और वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छे तादाद में यहाँ पर उगाए जाते हैं. सब कुछ बहुत फ्रेश है. ऑर्गेनिक फूड जिसको हम कहते हैं, बॉम्बे में हम बहुत पैसे देते हैं तब जाकर हमें ऑर्गेनिक फूड मिलता है. और आज हम यहाँ पर सच में हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे फार्मिंग होती है, कितने मेहनत का काम है ये सब. और अच्छा लग रहा है, आई हैव मेट सम न्यू फ्रेंड्स ऑफ माइंड. एंड देखिए बछड़ा जो है यहाँ पर दूध पी रहा है अपनी मम्मा का. तो फ्रेश मिल्क भी यहाँ पर यहाँ के जो फार्मर्स हैं वो देते हैं. तो आई एम गोना हैव सम फ्रेश कैरेट्स ऑल्सो, जो उधर मैंने देखा था वो बिल्कुल खेत से निकाले हुए कैरेट्स हैं. सब बने रहिए सास बहू और बेटियाँ के साथ, क्योंकि अभी बहुत कुछ होने वाला है अराकू वैली में. फॉलो मी. गांव घूमने के बाद बारी थी कुछ शॉपिंग की, और अराकू वैली में खास होती है कॉफी और चॉकलेट्स. सो लेट्स शॉप फॉर कॉफी एंड चॉकलेट्स. बदला ना सारा यू यू यू, सारा का सारा न्यू न्यू न्यू. मैं हैप्पी वैप्पी क्यों क्यों क्यों, मैं बिजी बिजी हूँ. धीमे धीमे स्लोली स्लोली आई एम लर्निंग लर्निंग, सीखूं वीखूं नई जुबान. So finally, मेरी कॉफी की शॉपिंग हो गई है और मेरे सारे फ्रेंड्स के लिए मैंने बहुत सारी कॉफी बीन्स खरीद ली है जो कि अलग अलग फ्लेवर की है. भाई कॉफी तो खरीदी, लेकिन अब कॉफी पी जाए. पीते हैं यहाँ की खास अरेबिका कॉफी. गर्ल्स लाइक टू स्विंग. हर घड़ी जश्न हो, गीतों की बरसात हो, गाए पल पल ये जिंदगी. पिघले पिघले तन बदन, खोया खोया सा हो ये मन, छाए छाए हो दिलकशी. हो थर थरा हट सी, हो सन सना हट सी, किस सांस सांस में खुलासा हो अजीब. कॉफी के बाद अब वक्त है शॉपिंग का, क्योंकि यहाँ पर खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट्स मिलते हैं. जरा देखिए तो विद्या कैसी ये सीटी बजा रही है. तो इन लोगों ने मुझे कहा है कि इसके अंदर पानी डालने के बाद इसमें से चिड़ियों की आवाज आती है. तो और यहाँ के हैंडीक्राफ्ट चेक कर रही हैं, और आखिरकार उन्होंने अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ खरीदा. मम्मी को ये ले लो और मैं सोच रही हूँ दादी के लिए ये ले लेती हूँ. दोनों में कोई झगड़ा भी नहीं होगा और दोनों में खुश हो जाएंगे कि दोनों के लिए सेम जैसा ही आया है. मम्मी को थोड़ा ब्राइट दे रही हूँ और दादी को थोड़ा देती हूँ. तो मेरी दादी और मम्मी के लिए जब पर्स ले लिया तो मैंने ये पर्स देखा और मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा और एक याद रह जाएगी वाइजैग की अराकू वैली की. तो आई हैव टेकन दिस पर्स. दोपहर के बाद अराकू वैली की शाम बड़ी ही खूबसूरत हो जाती है. देखा एक ख्वाब तो सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए. आई लव माई इंडिया, आई लव यू ऑल एंड आई एम हैविंग अ गुड टाइम. तो इस वक्त मैं अपने सपने को जी रही हूँ और इससे ज्यादा खूबसूरत फीलिंग और कुछ हो नहीं सकती है ना. और शाम के इस नज़ारे में विंध्या का दिल हो गया रंगीला. Yeah.
thank you so much, Saas Bahu aur Betiyaan, to get me here and enjoy my this birthday, this in this beautiful weather with some awesome memories which I'm making. इसके बाद बनी थी अराकू वैली बैलून फेस्टिवल 2017 के ग्रैंड फिनाले की, जहां पर रात में ये टिमटिमाते हुए गुब्बारे उड़ने को तैयार है। हाँ, डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। तो यहाँ कैसा लग रहा है? ऊपर आग, आग से खेल रहे हैं। But I think life में कभी कभी रिस्क लेना चाहिए and adventure करना चाहिए। It's gonna be really fun. And thank you so much. You know that this is my pre-birthday bash organized by E Factor. It's very good. I wish you a happy birthday. Thank you. It is on 22nd November and this is pre-birthday bash and I'm loving it. Thank you to make it more special. So, ये लग रहा है कि इतने दूर आना सफल हो गया and we could actually do this adventure trip. So it's really amazing. It's nice. और इसके साथ खत्म हुआ अराकू वैली बैलून फेस्टिवल, जिसे आयोजित किया था आंध्र प्रदेश टूरिज्म और ई फैक्टर्स ने। मिस्टर समित गर्ग, CEO of ई फैक्टर, सर थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई बर्थडे वेरी स्पेशल। Many, many happy returns, Vindhya. How do you like being here on this special day? I'm feeling very, very good. Maine apna birthday itne special tarike se kabhi nahi manaya. So thank you so much. And all the viewers of Saas Bahu and Betiyaan is actually grateful because you have made this very special. सच्ची बात बताऊँ तो मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। ये सारा इनिशिएटिव आंध्र प्रदेश टूरिज्म का है। And I would say that all of us should give a big special thanks out to Miss Bhuma Akhila Priya Reddy, the Honorable Chief, the Honorable Tourism Minister of the state. और बाकी आप लोगों से माहौल बनता है, आप देख रहे हैं मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार आदमी इस वक्त यहाँ पे इकट्ठा है and they're all enjoying the fabulous visuals of these lovely flyable birds in so many colors. And मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा that you know, hot air ballooning in India has come a long way in the last 8 or 9 years. बट अभी आप सभी लोगों के और बहुत सारे सपोर्ट की ज़रूरत है इस स्पोर्ट को, इस एंगेजमेंट को, इस एंडेवर को आगे बढ़ाने के लिए। एंड साथ जुड़ते रहिए और कम्युनिटी को बड़ा बनाते रहिए। थैंक यू सो मच समय, थैंक यू, थैंक्स अ टन। बलून फेस्टिवल के समापन के साथ ही यहाँ पर एक खास ट्राइबल डांस भी रखा गया, जिसे विंध्या ने भी ज्वाइन किया। यानी कुल मिलाकर विंध्या तिवारी के बर्थडे पर खास ये अराकू वैली यात्रा सास बहु बेटी और ई फैक्टर्स ने खास रखी। भाई लाइफ में कुछ एडवेंचर, कुछ स्पेशल करना चाहिए और विंध्या तिवारी के साथ सास बहू और बेटियां ने ऐसा ही कुछ स्पेशल और खास किया। तो आप भी जरा घर से बाहर निकलिए और हमारे देश को एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि भारत देश किसी देश से कम नहीं और यहाँ पर भी घूमने के लिए बहुत सारी जगह है। बस बैग भरिए और निकल पड़िए। अराकू वैली से कैमरामैन मंगेश चौहान के साथ अमित त्यागी, आज तक। जीना हो तो अपन के जैसे ही जीना।